नमस्कार। इस सत्र में जो लोग जुड़ रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में यह लिखकर बताएं कि मेरी आवाज उन तक साफ पहुंच रही है, जिससे कि मैं अपने व्याख्यान को आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि यही एक तरीका है ये जानने का, ये पता करने का कि मेरी आवाज आप तक साफ पहुंच रही है या नहीं। अभिषेक जी, सुरेंद्र सिंह यादव, प्रतिभा जी, डॉली मौर्या, आप सभी लोग इस सत्र से जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। सत्येंद्र मोहन जी, अभिषेक जी, धन्यवाद, आपने लिखा कि आवाज मेरी आ रही है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने समस्त गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में मैंने सीखा है और अभी सीख रहा हूँ। ये परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा रही कि मुझे ऐसे गुरुजनों का सानिध्य या कहें छत्रछाया प्राप्त हुई। मैं सोमू सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में विगत 10 वर्षों से सहायक आचार्य के पद पर कार्य कर रहा हूं। फेसबुक वेब प्लेटफॉर्म जिससे आप परिचित हैं, जिसके माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूं, हमारा फेसबुक ग्रुप टीचर एजुकेटर्स और उसका ऑफिशियल पेज टीचर एजुकेशन इन इंडिया, उसका संचालनकर्ता के रूप में चीजों को मैनेज कर रहा हूं। मैं इस सत्र में पधारे जो अभी जुड़ चुके हैं, महिपाल जी भी आ गए हैं, सत्येंद्र गुप्ता जी भी आ गए हैं, उन सब का और जो अभी बाद में जुड़ेंगे स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आप सभी अधिगमकर्ताओं एवं दर्शकों के अंदर विराजमान परमात्मा के उस अंश को प्रणाम करता हूं, जिसकी वजह से आप शुभ कार्यों में संलग्न हैं, आपके अंदर शेयरिंग एवं केयरिंग की भावना सुदृढ़ है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। आज का जो विषय है साथियों, वो है कि एक व्याख्यान को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए। हम सभी परिचित हैं, व्याख्यान कोई नया शब्द नहीं है। हम शिक्षक प्रशिक्षण में पढ़ाते हैं कि यह एक शिक्षण विधि है। नेतागण इसको भाषण के रूप में भी कहते हैं, वक्ता, भाषणकर्ता, व्याख्यानकर्ता, शिक्षक। शिक्षक का ये दिन प्रतिदिन का कार्य है, उसकी चर्चा आज होनी है। और आज के इस व्याख्यान से आप यह समझ पाएंगे कि प्रभावशाली व्याख्यान कैसे दिया जाए। व्याख्यान के दौरान कौन कौन सी सावधानी बरती जाए, कक्षा शिक्षण को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए, शिक्षण कौशल क्या हैं, उनकी तकनीकियां कौन कौन सी हैं जिनका उपयोग हम अपने व्याख्यान को प्रभावशाली बनाने में कर सकते हैं, व्याख्यान मूलतः उसका स्वरूप क्या होता है, ये बात भी स्पष्ट होगी। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें
कि आखिर व्याख्यान को प्रभावशाली बनाने की चिंता हम क्यों करें? क्या साधारण व्याख्यान से कार्य नहीं चल सकता? इसके पीछे की वजह क्या है? यानी कि इस सत्र को क्यों सुने आप? तो सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आती है, व्याख्यान को जब हम एक शिक्षण विधि के रूप में लेते हैं, तो यह एक जो आम धारणा प्रचलित है, इस पर जो आरोप हैं वो यह हैं कि यह शिक्षक नियंत्रित है, शिक्षक द्वारा संचालित है और एक दिशीय है, वन वे कम्युनिकेशन है इसमें। और कभी-कभी दर्शक या हमारे अधिगमकर्ता उबने लगते हैं व्याख्यानों में, ध्यान उनका हट जाता है व्याख्यान में कही गई बात से। तो निश्चित रूप से कभी-कभी लगता है ये आरोप सही भी लग रहे हैं, और उसके पीछे के कई कारण हैं, आगे की चर्चा में यह स्पष्ट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि व्याख्यान हमारा प्रभावशाली बने, तो हमें उसे टू वे कम्युनिकेशन के रूप में करना होगा, उसे इंटरेस्टिंग बनाना होगा। हमें जो अधिगमकर्ता हैं, जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑडियंस है, उनकी वॉइस को रिस्पेक्ट देना होगा, और रिस्पेक्ट ही नहीं देना होगा, उनके रिस्पॉन्सेस को, उनके क्वेश्चंस को, उनकी क्वेरीज को यूज करना होगा उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, इफेक्टिवली यूज करना होगा। इस पे भी बात होगी। तो जाहिर सी बात है यह महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको भी आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी कुछ चिंताएं हैं। पहली प्रमुख चिंता यह है कि जो मेरा अपना अनुभव है, जितने भी मैंने विद्यालयों को, महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को देखा है, उनमें अधिकांश जगहों पर मैंने ये पाया है कि कक्षाओं में विद्यार्थियों को, अधिगमकर्ताओं को प्रश्न पूछने के अवसर बहुत कम दिए जाते हैं। आप लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे, हो सकता है कुछ लोग असहमत भी हों। उनके मत को, उनकी राय को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। इसका एक कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली थी, जिस ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने लॉर्ड मैकॉले की नीतियों को लागू किया, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि अच्छे श्रोता तैयार हों, स्वामी भक्त तैयार हों, अच्छे वक्ता तैयार ना हों। अच्छे अच्छे वक्ता होंगे तो वो प्रश्न पूछेंगे, सवाल खड़ा करेंगे, और वो काफी हद तक कामयाब भी रहे, और उसी के अंश अभी भी हमारी वर्तमान कक्षाओं में परिलक्षित होते हैं। हम सब दर्शक और मैं खुद वो उनका अनुभव अगर हम देखें, तो जो अब तक का अनुभव है, उस अनुभव में उनके जीवन में ऐसे शिक्षक गुजरे होंगे, अगर उनको हम तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना चाहें तो वो इस तरह वर्गीकृत हो सकती हैं। पहली श्रेणी ऐसे शिक्षकों की है जो ये मानते हैं कि वो इतना प्रभावशाली व्याख्यान करते हैं, अपनी बात को इतना बेहतर तरीके से कहते हैं कि उसमें प्रश्न की गुंजाइश ही नहीं है। विद्यार्थी को क्या प्रश्न होगा? हो सकता है ऐसे लोग हैं, उनका ये मानना है, और वो प्रश्नों को अवांछित मानते हैं, अनपेक्षित मानते हैं, और इनवाइट ही नहीं करते। अब स्थिति क्या होती है? अगर किसी ने प्रश्न पूछा तो कहते हैं कि आप मूर्ख हैं, तुम मूर्ख हो, तुमको ये बात समझ में नहीं आती। इतनी सरल सी बात है,
ऐसे शिक्षकों से पाला पड़ता है। दूसरी श्रेणी की अगर हम चर्चा करें तो वो शिक्षक ऐसे हैं जो कहते हैं ठीक है, आपके मन में प्रश्न हैं, आप अपने प्रश्नों को, अपनी ओपिनियन को अपने मन में रखिए, जब मेरा व्याख्यान समाप्त होगा उसके बाद आपको प्रश्न पूछना है। तो बच्चों को लगता है कि चलिए अभी नहीं बता रहे हैं, अंत में टीचर हमको मौका देंगे पूछने का। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, जिस क्षण उसके मन में अगर शंका आई, आप किसी एक शिक्षण बिंदु पर कुछ समझा रहे होते हैं, कुछ पूछ रहे होते हैं, उस शंका का निवारण उस बिंदु पर, उस क्षण, उस स्थिति में, उस अवस्था में अगर नहीं किया गया तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और आप जानते हैं कि ऐसे सारे अधिगमकर्ता उस व्याख्यान से कट जाते हैं और चीजें उनके ऊपर से निकलने लगती हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति क्या होती है। एक और तीसरी श्रेणी, ऐसे शिक्षक जिनकी कक्षा में प्रश्न पूछने की आजादी रहती है। शिक्षक खुद ही कहता है कि आपको जब लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे रोकिए और प्रश्न पूछिए, अपने मन की शंकाएं हमारे सामने रखिए, जिज्ञासाएं हमारे सामने रखिए। ये भी एक विशेष वातावरण है। और उस कक्षा के विद्यार्थी निर्भीक होकर के प्रश्न पूछते हैं क्योंकि शिक्षक ने कहा, शिक्षक ने मौका दिया। ये एक बहुत अच्छा वातावरण माना जाता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। अब आप अगर देखें तो ये तीनों तरह की श्रेणियां आपने जो मैंने बताई हैं, लोग मिलते हैं, लोग ऐसा करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण की अगर हम चर्चा करें तो बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो ये है, शिक्षक का दृष्टिकोण। शिक्षक का दृष्टिकोण शिक्षार्थी के प्रति, विषय वस्तु के प्रति, संस्था के प्रति और अपने शिक्षण व्यवसाय के प्रति जैसा होगा वो उसी से गवर्न होता है। अब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपके सामने रख सकता हूं। हाँ, कई लोग जुड़ रहे हैं बीच में, मैं सबको यथायोग्य अभिवादन देते हुए आगे बढ़ रहा हूं। दीपिका जी भी जुड़ गई हैं, प्रतीक जी जुड़ गए हैं, आशा जी जुड़ रही हैं, सारे अधिगमकर्ता। और ये मेरा व्याख्यान भावी शिक्षकों और भावी प्रशिक्षकों के प्रशिक्षकों के लिए है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था एक कहानी के माध्यम से। एक भवन का निर्माण हो रहा है और उसमें कई मजदूर मिलकर कार्य कर रहे हैं। वहां से एक व्यक्ति गुजरा और उसने एक मजदूर से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा, साहब पत्थर तोड़ रहा हूं, मेरी किस्मत में यही पत्थर तोड़ना लिखा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मजदूर का उत्तर सुनने के बाद व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद दूसरे मजदूर से पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, पत्थर तोड़ रहा हूं साहब, और ये पत्थर एक भवन का निर्माण होना है, उसमें लगेंगे। तब फिर क्या भवन है, कैसा भवन? उसने कहा, शायद हॉस्पिटल का निर्माण होने वाला है, मुझे कंफर्म नहीं मालूम। वो व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ता है, एक और मजदूर से पूछता है वही प्रश्न, और उस मजदूर का उत्तर बड़ा उत्साहजनक तरीके से उत्तर देता है। वो कहता है, साहब मैं जो पत्थर तोड़ रहा हूं, इस पत्थर से हॉस्पिटल बनने वाला है, और इस हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल के द्वारा अनेकों मरीजों का इलाज किया जाएगा,
और लाखों जिंदगियां बचेंगी, मैं बहुत बड़ा योगदान कर रहा हूं। देखिए कितनी बड़ी बात है, एक ही कार्य में तीनों मजदूर संलग्न हैं, एक ही प्रश्न पूछा गया, लेकिन तीनों का एटीट्यूड उस कार्य के प्रति अलग-अलग है। मतलब इससे क्या आशय निकाले कि जो शिक्षक शिक्षण कार्य को यह मानते हैं कि यह पाठ्यक्रम समाप्त करना है, कोर्स पूरा करना है, ये मेरी सरकारी ड्यूटी है या अधिकारी के भय में करना है, तो उनके लिए एक डिफरेंट एक दृष्टिकोण उनके अंदर होता है और उससे उनका व्यवहार गवर्न होता है। लेकिन जब आप ये मानते हैं कि आप मानव निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न हैं और आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन बच्चों में, इन विद्यार्थियों में ज्ञान का निर्माण जो हो रहा है उसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, इनके अंदर जो कौशल विकसित हो रहे हैं उसमें आप सहयोग दे रहे हैं, वातावरण निर्मित कर रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं, उनके अंदर मूल्यों के विकास में आप योगदान दे रहे हैं, उनके अंदर आदतों, अच्छी आदतों के निर्माण में आप योगदान दे रहे हैं। ऐसा भाव रखने वाला, ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला शिक्षक ही इस बात की चिंता करता है कि प्रभावशाली व्याख्यान कैसे हो, कक्षा शिक्षण कैसे प्रभावशाली बनाया जाए। ये विनोद विवेक रोशन लिख रहे हैं, 100% ट्रू, बिल्कुल आपने अनुभव किया होगा अपनी कक्षा में कि आप प्रयास करते हैं और प्रभावशाली करना है तो एफर्ट लेना होगा, और एफर्ट लेने से आप महसूस करेंगे कि अंतर आता है आपके खुद के जीवन में। एक और जरूरी बात कहना चाहता हूं, हम जो सीखते हैं, समझते हैं और हमारे अंदर जो ज्ञान का निर्माण होता है, और अगर हम शिक्षक व्यवसाय में हैं तो बेहतर तरीके से कह पाने का जो सुख है अद्भुत आनंद देता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से कुंठित रहते हैं कि हम जो जानते हैं, जो समझते हैं उसको प्रभावशाली तरीके से नहीं कह पाते हैं, तो अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कह पाना भी सुख की अनुभूति कराता है, और ये सफलता के लिए, आत्मविश्वास के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी है। अब हम आगे बढ़ें। सबसे जरूरी चीज कि क्या ये कार्य कठिन है? अब अगला प्रश्न आता है कि क्या ये कार्य कठिन है? हम सब प्रभावशाली शिक्षण दे सकते हैं, प्रभावशाली व्याख्यान दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। अरे भाई क्यों नहीं दे सकते? आप जरा देखिए धर्माचार्य के प्रवचनों को, राजनेताओं के व्याख्यानों को, उनके आत्मविश्वास को देखिए। कभी-कभी तो गलत भी बोलते हैं, तथ्य गलत भी रहते हैं, लेकिन जनता इतनी आत्ममुग्ध होती, इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती है कि ताली बजा रही है, सुन रही है। एक तो पहला पक्ष ये कि हाँ बिल्कुल हम सब प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को कह सकते हैं, हमें मौका नहीं मिला, हमें ऐसा वातावरण नहीं मिला, हमें प्रशिक्षित नहीं किया गया कि अपनी सीखी हुई बात को, समझी हुई बात को, जिस पे हम चिंतन कर रहे हैं, कैसे प्रभावशाली तरीके से कहें, इस वजह से नहीं कह पा रहे हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। मैं आपको बड़े महापुरुषों के उदाहरण भी देना चाहूंगा, आपने नाम सुना होगा, हम बड़ा सम्मान से उनका नाम लेते हैं, महात्मा गांधी। वो भी जब पहली बार कोर्ट में खड़े हुए अपनी बात कहने के लिए तो उनको भी घबराहट हुई और बैठना पड़ा। एक पुस्तक में मैंने ये पढ़ा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिनको बहुत प्रभावशाली वक्ता माना जाता है, उन्होंने भी अपने मित्र से इस बारे में कहा
कि आरंभिक भाषणों में, आरंभिक व्याख्यानों में मुझे भी परेशानियां हुई, घबराहट हुई। तो मेरे दोस्तों, जिनको आप बहुत अच्छा आज वक्ता मानते हैं, जिन्हें जानते हैं, उनको भी आरंभिक दौर में कुछ कठिनाइयां हुई, कुछ घबराहट हुई, तो आपको हो रही है, तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये प्रभावशाली वक्ता बनने की प्रक्रिया का एक चरण है। अगर ये मान लिया तो आप उस दहलीज से आगे चले जाएंगे। ये अब अगली बात कि हम उन तकनीकों की चर्चा करें कि जिससे व्याख्यान प्रभावशाली बनता है। तो देखिए, शिक्षक के लिए पहले से फॉर्मेट है, शिक्षक को सिखाया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, जो शिक्षक सुन रहे हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, पहले से जो प्रचलित प्रणाली चली आ रही है, हार्वर्ड को फॉलो करते हैं, 5 पद हैं उसमें, आपको लेसन प्लान बनाने के लिए कहा जाता है, और अब इस समय कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है, जिसमें 5E मॉडल की, 5E अप्रोच की बात हो रही है, उन 5E के माध्यम से लेसन प्लान को बनाने की बात है। तो शिक्षक की अगर हम बात करें, तो शिक्षक को अपने पाठ की, अपने व्याख्यान की योजना कैसे बनानी है, इसका एक गाइडलाइन है। लेकिन जो दूसरे दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि आपको भी उन सारे बिंदुओं को एक तार्किक क्रम में, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अरेंज करना होता है, जिससे कि बात आपकी प्रभावशाली हो सके। तो जो मैसेज है उसको डिजाइन करना पड़ेगा। पहले तो भाषण या व्याख्यान या कक्षा शिक्षण कि अगर हम सामान्य बात करें, सामान्य बात करते समय ये ध्यान देना होगा कि 4 बिंदु अगर हम उसके चिन्हित करें, पहला हम संबोधित करते हैं। शिक्षक डेली कक्षा में जाता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन शिक्षक को भी सेमिनार्स में या कई ऐसे मौके मिलते हैं जब उसको बोलना पड़ता है कार्यक्रम में। तो उस वक्तव्य के अगर 4 हिस्से देखें, पहला हिस्सा संबोधन, हम संबोधित करते हैं ऑडियंस को। दूसरा प्रस्तावना, हम अपने विषय को प्रस्तावित करते हैं कि आज क्या बात होने वाली है। तीसरा हमारा मुख्य कथ्य होता है, जिसे हम कहते हैं मैसेज। और चौथा होता है क्लोजर, जिसे कह सकते हैं हम कंक्लूजन। तो इन 4 हिस्सों में हमारा व्याख्यान बटा रहता है। पहला मैंने बताया आपको, संबोधन, आप कैसे संबोधित करेंगे, किसको संबोधित करेंगे। दूसरा मैंने बताया आपको कि आप इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे अपने विषय को, अपने टॉपिक को। तीसरा आपका मुख्य मैसेज क्या है, उसमें उसको कैसे अरेंज किया है आपने, कैसे डिलीवर करेंगे, मीडिया क्या अपनाएंगे वो। चौथा आपका कंक्लूजन। ये अब इसके बाद अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें, राहुल जी लिख रहे हैं, शिक्षक बनना आसान हो सकता है लेकिन बने रहना बहुत कठिन। बिल्कुल, बने रहना कठिन आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो एक साधना है, निरंतर सीखना होगा, सीख करके हमें और बेहतर देना होगा। आपकी बात से सहमत हूं, कठिन है, क्योंकि हम शिक्षक हैं। मानव निर्माण की प्रक्रिया में आप देख ही रहे ना कि हम सब शिक्षक थे, कहना चाह रहे थे, आप सबसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन कोरोना संकट काल में बाधाएं थी कि हम कैसे मिलें आपसे। लेकिन या इस आवश्यकता ने ही, इस छटपटाहट ने ही इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। और चुनौतियां हैं, आपने पुराने व्याख्यानों में या मेरे भी व्याख्यान में महसूस किया होगा कि तकनीक को सीखना, तकनीक को उपयोग करने में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है। मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं, हो सकता है नेटवर्क की वजह से ये वीडियो रुक जाए, मेरी इसमें क्या गलती है। हाँ, फिर आऊंगा, फिर अपनी बात रखूंगा। हाँ, इसमें यही एक समस्या है
कि मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन हाँ आपका जो कमेंट आ रहा है आपकी फोटो के साथ नाम के साथ, ये मुझे विजुलाइज करा दे रहा है कि हाँ मेरा लर्नर मेरा मेरी ऑडियंस मुझे सुन पा रही है। और बिल्कुल सही कहा दिनेश चहल जी, हमारे मित्र हैं, टीचर मस्ट बी लाइफ लॉन्ग लर्नर आल्सो। बिल्कुल, जीवन पर्यंत सीखना है। क्यों सीखना है जीवन पर्यंत? सीखते ही हम क्यों हैं? सीखना हमारी मजबूरी है, हमारे जीवन की आवश्यकताएं हमें मजबूर करती हैं कि हम सीखें समस्याओं के समाधान। हमारी बदली हुई परिस्थितियां चुनौतियां खड़ी करती हैं हमारे सामने। जीवन ऐसा है, सीखना पड़ेगा ही। तो निश्चित रूप से उन तरीकों को, उन संसाधनों को, उन व्यक्तियों को खोजना होगा, समझना पड़ेगा, उनका उपयोग में उनको लाना पड़ेगा। तो ये बात यहां से अब आगे बढ़ाते हैं कि व्याख्यान से पूर्व क्या करना चाहिए और व्याख्यान के दौरान क्या करना चाहिए। बिल्कुल, संजय जी ने कहा टेक्नोलॉजी नेवर रिप्लेस रियल क्लासेस। मैं भी इस बात से सहमत हूं। टेक्नोलॉजी कभी एक टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती। टीचर की भूमिका, टीचर का योगदान अद्वितीय है। टेक्नोलॉजी हमें सहारा दे रही है, टेक्नोलॉजी हमारा साधन है, इसके माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं, अपनी बात को और थोड़ा प्रभावशाली तरीके से पहुंचा पा रहे हैं कम समय में। अब आप सोचिए कि जो ये हमारी लाइव कक्षा संचालित हो रही है, हो सकता है बहुत से विद्यार्थियों को ये ज्ञात ना हो कि इस कक्षा में एक साथ 1200, 1200 से अधिक विद्यार्थी लाइव जुड़ते हैं। अधिकतम कल के व्याख्यान में इतने विद्यार्थी जुड़े। अब एक शिक्षक के सामने चुनौती है कि जहां हम एक कक्षा में 50 विद्यार्थी, 100 विद्यार्थियों को सिखाने के लिए वातावरण तैयार करते हैं, उसके सामने इतने विद्यार्थी लाइव हैं। और कमेंट्स जो आपके आते हैं, आप तो सोचते हैं कि सर के सामने, स्पीकर के सामने, एक्सपर्ट के सामने मेरा कमेंट जा रहा है, तुरंत पढ़ना चाहिए, लेकिन यहां तो बमबारी की तरह होता है। हो सकता है कमेंट आपका ऊपर चला जाए, मुझे दिखाई ही ना दे, और उसको नीचे खिसकाने में बहुत मेहनत करनी पड़े। तो इस बात को भी समझिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इतने व्याख्यान जो हुए हैं, हमारे सारे वक्ताओं ने, सारे विशेषज्ञों ने बड़ी मेहनत की है, मैं उनको सल्यूट करता हूं। आज पहली बार मौका मिला है मुझे लाइव आने का, कि उन्होंने खुद से आगे कदम बढ़ाकर आप सभी विद्यार्थियों की, आप सभी अधिगमकर्ताओं की अकादमिक मदद करने के लिए व्याख्यान दिया। चुनौतियां थीं कैसे लाइव हो, लाइव में क्या होगा, लेकिन उस जज्बे को सलाम। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है ये बदलाव। बदलाव से हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव लेक्चर मे नॉट इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। प्रणाम सर, सुशील सर का ये कहना है कि इफेक्टिव लेक्चर मे नॉट इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। सर, मैं तो ये मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं उस लेक्चर को इफेक्टिव मानता ही नहीं हूं, खासकर से जब विद्यार्थी आपके सामने है, अगर वहां इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो रही है, वो लेक्चर इफेक्टिव है ही नहीं। आखिर हम प्रभावशीलता किन संदर्भों में मानेंगे? जिसके लिए बोल रहे हैं, जिसके समक्ष बोल रहे हैं, वो सीखा ही नहीं, वो समझा ही नहीं, फिर कैसा इफेक्टिव? इसीलिए हम अंतर करते हैं ना, है कि आप बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं, चीजों की बहुत अच्छी समझ हो सकती है, लेकिन आप उस बात को विद्यार्थियों को समझा ले जाएं, विद्यार्थियों को सिखा ले जाएं, ये एक अलग कौशल है और ये उसे अलग बनाता है प्रभावशाली व्याख्यान के अंतर्गत। और भी हम तकनीकों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें नो योर लर्नर, नो योर ऑडियंस, अधिगमकर्ता को जानना और समझना होगा। पहली शर्त है व्याख्यान से पहले, कक्षा शिक्षण से पहले। क्यों? क्योंकि भाई किसके लिए तैयार कर रहे हैं? हाई स्कूल की क्लास है, 11th की क्लास है, 12th की क्लास है, ग्रेजुएशन की क्लास है, या बीएड की क्लास है, एमएड की क्लास है, पीएचडी कोर्स वर्क की क्लास है,
सबका मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट है, सबका नॉलेज लेवल डिफरेंट है। अगर इसको हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं और तैयारी शुरू कर देंगे तो ये चूक हो सकती है शिक्षक होने के नाते हमसे। तो हमें सबसे पहले समझना होगा एंट्री बिहेवियर ऑफ द लर्नर। क्या है एंट्री बिहेवियर ऑफ द लर्नर? उसके ज्ञान का स्तर, उसके अनुभव, उसके कौशल का स्तर, उसकी भाषाई क्षमता, उसकी अभिवृत्तियां, छोटी छोटी चीजों को हमें अंदाजा लगाना होगा। सिलेबस हैं, करिकुलम्स हैं, आप देख लीजिए बैकग्राउंड में जाकर उन्होंने क्या सीखा है, मोटा मोटा अंदाजा आपको लग जाएगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करनी है अप्रोप्रिएट प्लानिंग, योजना। किस चीज की योजना? कि जो आपने समझा, जो स्थिति आपको लगी, उसके हिसाब से आप अपने व्याख्यान को तैयार करते हैं। कंटेंट का सिलेक्शन, टीचिंग एड का सिलेक्शन, स्ट्रक्चर कैसा हो, जो हम बात कर रहे थे हरवर्ट को, जो हम बात कर रहे थे, अब बात कही जा रही, हम सब कंस्ट्रक्टिविज्म के फॉलोअर्स हैं, लागू करना है, कर रहे हैं, संघर्ष चल रहा है दिल्ली से लेकर वाराणसी के एक गांव तक, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय तक कंस्ट्रक्टिविज्म संघर्ष कर रहा है, आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक एम लेकर के, एक अच्छे सिद्धांत को लेकर के हम प्रयासरत हैं, कुछ लोग सफल भी हुए हैं। इफ द टीचर इज नॉट एबल टू आंसर ए पर्टिकुलर क्वेश्चन और डाउट आस्क्ड बाय द क्वेश्चन, देन हाउ शुड द टीचर हैंडल दिस सिचुएशन। अगर एक शिक्षक एक विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है तो क्या होगा, कैसे हैंडल करना चाहिए? एक बड़ा अच्छा प्रश्न आया है, ये होता है, ये बहुत बड़ा कारण है। अरे भाई, हम भी लर्नर हैं, हम भी सीख रहे हैं, हम विद्यार्थी से ये कहें, आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आज नहीं दे सकता, आज की कक्षा में नहीं दे सकता, गारंटी नहीं है, जितना दे पाने में सक्षम हूं आज दूंगा, और जो नहीं दे पाया उसको नोट कर लूंगा पूरी गंभीरता के साथ कि बच्चों मैंने आपका प्रश्न नोट कर लिया, हाँ पढ़ूंगा, फिर कल आऊंगा, कल इसका उत्तर दूंगा। इसमें कौन सी समस्या है? कोई शर्म नहीं, कोई इससे ऐसा संकट नहीं आने वाला है, विद्यार्थी में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी कि सर भी मेरी तरह सीख रहे हैं, ऐसे हैंडल करना है। बहुत कि मुझे भी बहुत सी चीजें नहीं पता है, किसी मशहूर है कि जितना अधिक हम सीखते हैं तो हमें यह पता लगता है कि हम क्या। मुझे ये बात याद आ गई, इस बात से जोड़ते हुए मैं कह रहा हूं, अधिगमकर्ता को समझ लिया, ऑडियंस को समझ लिया, हमने लेक्चर को तैयार कर लिया, लेक्चर की तैयारी प्लानिंग में ये बात जरूर है कि जो मुख्य मैसेज है आपका, मुख्य कथ्य है आपका, उसको कैसे डिजाइन करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है, उसकी डिलीवरी कैसी हो। कुछ लोग आ गए हैं, क्षमा प्रार्थी हूं कि बीच में तकनीकी व्यवधान रुक गया, पुनः आपके बीच में उपस्थित हूं। हम बात कर रहे थे प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अभ्यास का, जिसे बहुत से लोग जरूरी नहीं मानते। हम पूरे भाषण को, पाठ को आरंभिक दौर में लिखना बहुत ही जरूरी है, इसको जरूरी माने। ऐसा मैं खुद भी कह रहा हूं और अपने में उन महान वक्ता आरंभिक अपने अनुभवों को उन सबने लिखना कोई गलत कार्य नहीं है, और लिखकर अभ्यास करना तक की सुझाया जाता है कि अगर आपको व्याख्यान देने, भाषण देने में कठिनाई होती है तो आप अभ्यास भी कर सकते हैं, न्यूनतम एक अभ्यास करना चाहिए, बाद में ये छूट जाएगा पड़ेगा। राहुल पांडे जी धन्यवाद, आपकी आवाज सही से आ रही है। हाँ, अब हम बात करें कि व्याख्यान के दौरान, कक्षा शिक्षण के दौरान क्या करना चाहिए।
हमने अधिगमकर्ता को जान लिया, समझ लिया, हमने उसके हिसाब से अपना व्याख्यान या अपना लेक्चर, अपना भाषण की योजना बना ली, उसको लिख भी लिया, उसका अभ्यास भी कर लिया। अब साहब तैयार हो गए, जिस दिन प्रस्तुति है तो शिक्षक है तो प्रशिक्षण में उसको सिखाया ही गया है और अभ्यास भी कराया जाता है, तो शिक्षकों को है क्योंकि वो डेली इस परिस्थिति में आ चुके होते हैं। लेकिन हाँ, विद्यार्थियों को भी मैंने देखा है सेमिनार्स में पेपर प्रेजेंट करते समय कठिनाइयां होती हैं क्योंकि परिस्थिति नई होती है। उसके लिए हम एक बार मानसिक रूप से ये लेते हैं, सोच लेते हैं, पहुंचने से पहले मेरा पहला सीन क्या होगा, पहले सीन में मैं क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा, इसकी तैयारी, तो बाकी के सीन उसके हिसाब से उससे कनेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही जरूरी चीज है। अभिषेक सिंह लिख रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ कंटेंट्स आल्सो मैटर्स अलॉट। मैंने कहा ये बात जो 5E अप्रोच है जिसकी मैंने बात की वो यही है, वो सीक्वेंसिंग, लॉजिकल सीक्वेंसिंग और उसको अरेंज करने की ही बात की जाती है। किसी दिन अलग से उस पर सत्र होगा कि एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के तहत कैसे करे 5E का उपयोग। व्याख्यान के दौरान सबसे पहला, मैंने पहले ही आपसे कहा, सबसे पहला आपको ऑडियंस को, लर्नर्स को, श्रोताओं को, दर्शकों को संबोधित करना चाहिए, संबोधित करना चाहिए, उनको लगे कि हाँ मुझे अटेंड किया जा रहा है, जो भी आपकी ऑडियंस है। उससे पहले आप चाहें तो अपने व्याख्यान की शुरुआत किसी मंत्र से या किसी महापुरुष के महत्वपूर्ण कर सकते हैं, उसके बाद संबोधित कीजिए। उसके बाद आती है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना में आप स्वयं का परिचय दीजिए, आप कौन हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं। कक्षा कक्ष परिस्थिति में यह डेली आपको नहीं करना होता है, ऐसे लोग जो शिक्षक कार्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन परिस्थिति में कहीं व्याख्यान देने जा रहे हैं उनके सामने अगर तो उन्हें यह करना, अपना परिचय देना होगा। परिचय देने के बाद आपको यह बताना कि ये जो होने वाला है उसका विषय क्या है, आज के व्याख्यान के बाद आप क्या सीख सकेंगे, क्या जान जाएंगे, क्या समझ जाएंगे, आपको इसकी उद्घोषणा करनी होगी अपने परिचय सत्र में ही, जिससे लर्नर्स को पता रहे कि आज इन वक्ता से हमको ये चीजें मिलने वाली हैं। और कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, लर्निंग आउटकम्स को बताना होता है, हमको की कॉन्सेप्ट्स को बताना होता है सार रूप में, कि आज हम ये इस पर चर्चा करेंगे, आप लोग ये सीखेंगे या समझेंगे। इसके पश्चात एक सबसे जरूरी चीज जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, लर्नर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी होती है, आप यह जरूर बताएं कि आज का आपका विषय, आपका व्याख्यान क्यों महत्वपूर्ण है। यह जानना, जैसे मैंने शुरू में चर्चा की कि व्याख्यान प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, इसकी चिंता हम क्यों करें, ना भी हो प्रभावशाली व्याख्यान तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। मैंने शुरू में ही कहा कि हम मानव निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े हैं, गंभीर कार्य है, लापरवाही से नहीं किया जा सकता। तो निश्चित रूप से आशुतोष जी लिख रहे हैं, व्याख्यान की प्रभावशीलता पर भाषा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, भाषा सहज सरल और लोक प्रचलित भाषा ही व्याख्यान को प्रभावी बनाती है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, भाषा एक माध्यम है, माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका है, सरल
भाषा होनी चाहिए। व्याख्यान की भाषा पर कुछ बताइए सर, भाषा कैसी हो। हम आएंगे, अभी हम आ रहे हैं शिक्षण कौशलों पर, उसके दौरान हम इस बात पर चर्चा करेंगे जब हम व्याख्यान कौशल में बात करेंगे। हम थे जब हमने अपना परिचय दे दिया, हमने विषय का टॉपिक बता दिया, उसके बाद हमने ये बता दिया कि इसको सुनना, इसको समझना, इसको सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बाद की कड़ी में हम आते हैं मैसेज पर। अब जो मुख्य मैसेज हमें देना है उस पे आते हैं। मुख्य मैसेज देना है तो टीचर्स के लिए हमने पहले कहा कि एक निर्धारित क्रम है, निर्धारित फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर्ड प्लान है, उसके हिसाब से हम काम प्रारंभ कर देते हैं। 5E इंगेज, दूसरा ई एक्सप्लोर, तीसरा ई एक्सप्लेन, चौथा ई एलेबोरेट, पांचवा ई इवेल्युएशन। तो इन 5 E के माध्यम से ये कोशिश की गई कि हम अधिगमकर्ता को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करें, इनकरेज करें, मोटिवेट करें, एनवायरमेंट क्रिएट करें एक शिक्षक के नाते, ताकि हमें कम से कम बोलना पड़े, कम से कम व्याख्या करनी पड़े और वह अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे। ऐसा इसलिए नहीं कि आप शिक्षक हैं और चाहता है कि अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करे, ऐसा प्राकृतिक है। हम सब प्राकृतिक तरीके से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इनपुट्स बहुत सी जगहों से, बहुत से व्यक्तियों से, बहुत से संसाधनों से मिलता है। कंस्ट्रक्टिविज्म यही कहता है। इंगेज में क्या करना है, शिक्षक होने के नाते बच्चे को इंगेज करना है, कहानी सुनाकर, कोई टास्क देकर, कुछ बोलने के लिए कहकर इंगेज करते हैं। पर्पज क्या है, वो इंगेज होगा नैसर्गिक रूप से, वो इस चीज को समझने की कोशिश करेगा कि मैं क्या जानता हूं उस चीज में। टीचर इनकरेज करेगा, टीचर ऐसी परिस्थिति उसको देगा। दूसरी जो ई है एक्सप्लोर, एक्सप्लोर में वो ये बात करेगा कि लर्नर्स उसके एक साथ काम करें, वर्क्स टुगेदर, साथ करने से भी बहुत कुछ सीखते हैं, हम पीयर लर्निंग की बात करते हैं। एक्सप्लेन में वो विद्यार्थियों को इनकरेज करेगा कि जो वो जान रहे हैं, जो चर्चा से निकल रहा है, आपस में बातचीत करने से, स्वयं के अनुभवों से, उसको अपनी भाषा में बताएं और उसके एविडेंस भी दें, और फिर जहां शिक्षक को लगेगा वहां उनको सहारा देगा और उसको डिफाइन कर देगा, उसको लेबलिंग कर देगा कि इसको बेटा इस नाम से जानते हैं। ये बड़ी बात है, बच्चे को लगेगा कि हम पहले से इस चीज को जानते थे, उसका नाम आज पता चला है, लेबलिंग। हाँ, एक्सप्लेन करना होगा अगर आपको लगता है कि चीजों को और डिटेल में बताना है। इलैबोरेट में हम उसको मौका देते हैं कि उसको अप्लाई करे नई सिचुएशंस में, उस कॉन्सेप्ट को, उस आइडिया को, और टीचर ऑब्जर्व करता है कि कितना कर पा रहा है, कैसे कर रहा है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दे रहा है या नहीं, फिर उसको इनकरेज करेगा, फैसिलिटेटर ही है। और इवेल्युएशन में, अगर लास्ट में हम देखें, इवेल्युएशन में वो देखता है उसकी लर्निंग प्रोग्रेस, उसकी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग सोशली एक्सेप्टेड है, रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच गई है क्या है, और उस हिसाब से वो जहां उसकी जैसी जरूरत है उसको एड ऑन करता है। तो जैसे हम उदाहरण के रूप में कहें कि जब गांव में, मध्यम शहरों में, शहरों, बड़े शहरों में भी जो छत पड़ती है ना, उसके नीचे कालिप बनाते हैं, कालिप की भूमिका सिर्फ इतनी है, जब लेंटर पड़ेगा तो कालिप के ऊपर लेंटर से एक जो शेप है, जो क्लेरिटी है, अच्छी आएगी और एक सहारा मिलेगा। जैसे ही वो स्थिर होगा, सुदृढ़ होगा, कालिप को हटा लिया जाता है। यही भूमिका यहां पर है,
शिक्षक को हटना होगा, उसको सीखने का तरीका सिखाना होगा और हटना होगा। जैसे छोटा बच्चा जब चलना आरंभ करता है तो हम एक तीन पहिए की गाड़ी दे देते हैं उसको, खड़ा करके उसको पकड़ाते हैं शुरू में, बाद में उसके सहारे चलने लगता है, खड़ा होने लगता है, फिर कभी कभी गाड़ी को हटा लेते हैं और कहते हैं खड़े रहो, खड़ा रहता है, फिर कहते हैं चलो, फिर गाड़ी एकदम से हटा लेते हैं। तो निश्चित रूप से ये कि नई परिस्थितियों में शिक्षक की तैयारी बेहतरीन होने के बाद भी प्रस्तुतिकरण उचित ढंग से ना हो पाए तो क्या करें? अभ्यास, पूर्व अभ्यास, पूर्व तैयारी, आत्ममूल्यांकन। शेफाली ने यह प्रश्न किया है, बिल्कुल अभ्यास से योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो यह परिस्थिति अगली बार नहीं आएगी। और आ भी गई है तो कौन से हम अकेले हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया? दुनिया के महान वक्ताओं का, महान शिक्षकों के साथ भी आरंभिक दौर में ऐसा हो चुका है, यही मानना है। तो आपका आत्मविश्वास का जो स्तर है वो सही रहेगा। अब आते हैं हम अगले बिंदु पर। हाँ, एक बात और कर दे, शिक्षकों के लिए हमने बताया 5B मॉडल। ऐसे दर्शक जो देख रहे हैं, शिक्षक व्यवसाय से नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी अपने विषय वस्तु को एक क्रम में प्रस्तुत करना होगा, एक सीक्वेंस में प्रस्तुत करना होगा, जो लॉजिकल होना चाहिए, बिंदुवार होना चाहिए, तभी उनका व्याख्यान प्रभावशाली होगा। चाहे जिस क्षेत्र में हो, आप राजनेता हैं, संगठनकर्ता हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, बिंदुवार तरीके से चीजों को रखना होगा। इस संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा कि ब्राउन महोदय ने 1978 में 1978 में व्याख्यान के 5 प्रकारों की चर्चा की। पहला क्लासिकल लेक्चर, दूसरा प्रॉब्लम सेंटर्ड लेक्चर, तीसरा सीक्वेंशियल लेक्चर, चौथा कॉपरेटिव लेक्चर और पांचवा थीसिस लेक्चर। जो एक शिक्षक यूज करता है वह लेक्चर होता है सीक्वेंशियल लेक्चर। तो जब हमारी जरूरत जो है उस हिसाब से हम लेक्चर को प्लान करते हैं, वैसा ही हमारे व्याख्यान का स्वरूप होता है। हमारी ऑडियंस क्या है और हमारी जरूरतें क्या है, उस हिसाब से हम उसकी योजना बनाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, तैयारी अच्छी है, बहुत अच्छा जानता और मैं समझता हूं, तो प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा हो जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, जिसकी तकनीकों को जानना बहुत आवश्यक है आपके लिए। उनको जानने से आप अपनी बात को प्रभावकारी तरीके से पहुंचा पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी किसी कक्षा में आपने महसूस किया होगा कि शिक्षक ने पूरी कक्षा के दौरान केवल आप ही को देखा, आप ही को देख करके पूरा व्याख्यान समाप्त कर दिया और आप घबरा गए कि अब मैं क्या करूं, मैं आगे ही बैठी थी या आगे बैठा था और वो हम ही को देख रहे थे और किसी को और को देख ही नहीं रहे थे और अपनी बात कह रहे थे अपने व्याख्यान में। कुछ शिक्षक अपनी नजर को नीचे झुका करके डेस्क की तरफ या व्याख्यान करता ऐसा भी करते हैं तो उनकी बात प्रभावशाली नहीं हो पाती। ऐसे में क्या करना चाहिए, वो तकनीकें इसमें बताई गई हैं। पहला मूवमेंट्स, टीचर को क्लास में अपनी स्टेज पे मूवमेंट्स करने की सलाह दी जाती है, ये एक तकनीकी है। पैरों का उचित परिचालन कक्षा में, एक जगह खड़े होकर आपको नहीं पढ़ाना चाहिए। दूसरे लोग जो शिक्षण व्यवसाय से नहीं जुड़े हैं, मंच से अगर भाषण दे रहे हैं, एक ही जगह खड़े होकर उनको बोलना है, उन पे लागू नहीं होता है। लेकिन उनके लिए हाँ, जेस्चर्स जो अगला बिंदु है, जो भाव भंगिमाएं हैं उनके बारे में कहा गया है और आपने अनुभव भी किया होगा अपने विद्यार्थी जीवन में कि आपका सिर, आपके हाथ, आपकी आंखें, आपके फेशियल एक्सप्रेशन में जो वेरिएशंस होते हैं उनका आपके द्वारा कही गई बात को प्रभावशाली बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप जो कह रहे हैं, आप जो भाव व्यक्त करना चाह रहे हैं, आप जो संवेग व्यक्त करना चाह रहे हैं, उसके सपोर्ट में, उसके समर्थन में ही इन तकनीकों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम कहें कि आप वीर रस की कविता सुनाना चाहते हैं और कविता है
खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें कहाँ उत्साह है? क्या इसमें उत्साह दिखा? नहीं, आपकी कभी बात प्रभावशाली नहीं हो पाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये तो आपकी बात के साथ आपका आवाज, आपका कहने का तरीका आपकी कही गई बात को प्रभावशाली बनाता है। अगर हम शेप्स की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में साइज की बात कर रहे हैं, पृथ्वी गोल है, हमने इंडिकेट किया, मेरी कही गई बात बच्चों के लेवल पर सोचें और प्रभावी हो गई। आज से 10 वर्ष पहले मेरा हाथ ऊपर गया और पीछे की तरफ इशारा करते कह रहा है कि वो 10 वर्ष पहले की बात। इसके अलावा संवेग, कही गई बात में कैसा भाव है उसके हिसाब से आप करते हैं। मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, आवाज में उतार चढ़ाव, आवाज धीमी, आवाज तेज, महत्वपूर्ण वाक्यों को आप रेखांकित करने के लिए उस वाक्य को, उस शब्द को जोर देकर के उस पे बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कंस्ट्रक्टिविज्म। सवाल यह है कि क्या 5E मॉडल से व्याख्यान प्रभावी होगा? मगर कहीं ना कहीं यह व्याख्यान में यांत्रिकता उत्पन्न कर देगा, मेरा यह मानना है। इस पर आप जरा मेरी दृष्टि स्पष्ट करने की कृपा करें। आशुतोष कुमार जी, आप मुझे खींच रहे हैं कि मैं कंस्ट्रक्टिविज्म के 5E मॉडल को डिटेल में बात करूं। इस पे एक सत्र जरूर होगा। देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट जितने भी फिलोसफर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो कहते हैं कि लर्निंग को एक बाउंड्री में बांध ही नहीं सकते, प्लान किया ही नहीं जा सकता है। फिर भी क्या करें, कुछ तो योजना बनानी है, इसलिए 5E है। कुछ भी योजना यांत्रिकता तो ला सकती है, लेकिन शिक्षक होने के नाते हमें इसे एक फ्रेमवर्क के रूप में लेना चाहिए कि कुछ न्यूनतम क्रियाएं हैं जिनको हम इस क्रम में इस तरीके से आयोजित करेंगे कि ऐसा वातावरण निर्मित होगा कि बच्चा सक्रिय होकर अपने अनुभवों को सीखने की प्रक्रिया में लाएगा, उन्हीं के माध्यम से अपने अनुभवों को पुनर्निर्मित करेगा, संशोधित करेगा, परिमार्जित करेगा और ज्ञान की रचना करेगा। इतना ही मकसद है। शिक्षक शिक्षा का बहुत अच्छा किया जाए, शिक्षक शिक्षा का बहुत अच्छा किया जाए, क्योंकि आज जो शिक्षक आ रहे हैं वह सिर्फ कमाई के लिए आ रहे हैं और उनके अंदर शिक्षण कौशल अभाव होता है। वह बच्चों को सिर्फ उपभोक्ता समझते वे केवल सूचनाएं देते हैं, अपने आप को महत्व देते हैं, कक्षा में अनुशासन को अथॉरिटेरियन वो अधिकारवादी बना देते हैं, बच्चों को सवाल पूछने, वार्तालाप करने, गलतियां करना है आदि के अवसर ही नहीं देते। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूं। मैं अपनी कक्षा में अक्सर इस बात की चर्चा करता हूं कि देखिए भाई, बीएड के विद्यार्थी हों, एमएड के हों, आप अपनी च्वाइस से आए हैं या बाई चांस आ गए हैं या धकेल दिए गए हैं किसी के द्वारा शिक्षक व्यवसाय में। अब आगे आ ही गए हैं तो न्याय तो करना ही पड़ेगा। इतना सीख लीजिए कि विद्यार्थियों के साथ अन्याय ना हो। हाँ, कुछ नैसर्गिक शिक्षक होते हैं जिनमें जन्मजात क्षमता होती है कि प्रशिक्षण से उनका कौशल और निखरता है, बिना प्रशिक्षण के भी उनकी बात प्रभावशाली होती है, ये भी एक पक्ष है। तो विपिन वर्मा जी, ये आपका प्रश्न है, ये तो मैं कह ही रहा हूं कि हमारे शिक्षक, अब सवाल यह प्रश्न का अवसर क्यों दें? प्रश्न का अवसर देने में, छूट देने में समस्या है ना, कि बच्चे रोकेंगे, बच्चे पूछेंगे। हम यह मानने को तैयार ही नहीं हैं कि विद्यार्थी गलतियां करेंगे, गलतियां करने दी जाएं, गलतियां करेंगे उसी में जोड़ तोड़ करेंगे, सीखेंगे। तो हमने शुरुआत में इस बात की चर्चा की है, जो लोग बाद में जुड़े उनके लिए, कि शिक्षक का दृष्टिकोण बहुत कुछ तय करता है। बहुत कुछ चीजें शिक्षक के दृष्टिकोण से तय होती हैं कि वो क्या मानता है। मैं तो ये मानता हूं, हाँ मैं ये भी कहता हूं अपनी कक्षा में कि देखिए भाई, आप लोगों से अगर बच्चे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं, आप समझ लीजिए गलत जगह आ गए। आपको बोलने में कठिनाई होती है,
कई वर्षों के शिक्षण के बाद भी आप समझ लीजिए गलत जगह पर हैं। अरे भाई शिक्षक हैं, विद्यार्थियों से रोज पाला पढ़ना है, विद्यार्थियों के पास जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, प्रश्न तो पूछेंगे ही। हमने भी पूछे हैं, अपने घरों में पूछे हैं, अपने विद्यालयों में पूछे हैं, वो सारे बच्चे नहीं पूछने का साहस जुटा पाते, इस बात को भी ध्यान में रखिए। उन बच्चों का क्या जो संकोच करते हैं, जिन्हें शर्म आती है, मजाक उड़ता है। बहुत से लोग अभी हमें कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते, उन्हें इस बात की चिंता है मेरा लिखा हुआ प्रश्न हो सकता है बाकी लोग पढ़ने लगे मैंने क्या प्रश्न पूछा है। ये भी बात मुझे नहीं आती है, मेरी प्रोफाइल चेक करेंगे, ऑनलाइन में भी हो रहा है, मुझे व्यक्तिगत रूप से कमेंट आते हैं, मेरे श्रोताओं द्वारा वक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से मैसेंजर्स में, व्हाट्सएप पे ऐसे कमेंट भी आते हैं। ये हमारे मन का एक भय है, शंका है, क्योंकि वातावरण ऐसा निर्मित कर दिया गया जो ज्यादा प्रश्न पूछेगा उसे कुछ नहीं आता, मूर्ख है, गधे हो तुम। इसको बदलना होगा, इसके महत्व को समझना होगा। रिस्पेक्ट द वॉइस ऑफ लर्नर्स, यही तो कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है, एंड यूटिलाइज द एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर्स। और हम जब करेंगे ऐसा तो निश्चित रूप से आनंद आ जाएगा। आप अनुभव तो लीजिए। एक छोटी सी रोचक घटना है, मैं एक कक्षा शिक्षण में गया, बीच में कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से कुछ सेकंड के लिए मैं चर्चा कर रहा था, एक कक्षा का मैं पर्यवेक्षण कर रहा था। मेरे प्रशिक्षु विद्यार्थी ने पूछा अपनी कक्षा में, कक्षा सात की कक्षा में पूछा कि विद्यार्थियों यह बताओ खेत का क्षेत्रफल कैसे मापते हैं। यह उदाहरण मैं पहले भी अपने विद्यार्थियों को दे चुका हूं, कुछ लोग सुन चुके होंगे। तो उस विद्यार्थी ने बड़ी तत्परता से उत्तर दिया, सर थर्मामीटर के द्वारा। तो इस उत्तर को सुनने के बाद शिक्षक को क्रोध आ गया, शिक्षक को क्रोध आ गया। जो प्रशिक्षु था उसने कहा तुमको इतना नहीं मालूम थर्मामीटर से क्षेत्रफल मापेंगे। मैं रोका, मैं सामने आया, मैंने कहा नहीं, सत्यम का उत्तर गलत नहीं है, उसका उत्तर अलग है, अनूठा है। उसने यह सुना है कि बुखार को थर्मामीटर से मापते हैं, मापना शब्द उसने एसोसिएट कर रखा है थर्मामीटर के साथ, सहसंबंधित कर रखा है। और सीखने के क्रम में यह होता है, बच्चों के सामने जब नए शब्द आते हैं तो कुछ वस्तुओं से, कुछ चीजों से वो जुड़ जाते हैं। अब उसे हमें बताना पड़ेगा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, क्या खेत भी बीमार होता है, खेत को बुखार आता है। अब मेरे प्रश्न पर सारे बच्चे ध्यान से देखने लगे कि ये सर क्या बात कर रहे हैं। बोले नहीं सर, खेत तो बीमार नहीं होता, खेत को बुखार नहीं आता। मैंने कहा हाँ खेत बीमार होता है, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से पूछिए, क्या हर साल एक ही पैदावार होती है। मिट्टी भी बीमार होती है, उसमें भी रोग लगते हैं। अब बुखार होता है कि नहीं होता है वो तो कृषि वैज्ञानिक बताएंगे, उनके उपचार कैसे किए जाए कृषि वैज्ञानिक बताएंगे। लेकिन सत्यम के उत्तर ने मुझे यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि खेत भी बीमार हो सकता है। तो सवाल यहां पर यह था कि मेरे प्रशिक्षु को मुझे यह बताना था कि आपको भले ही रिस्पॉन्स गलत है, उसको शेप अप करना है, उसको हैंडल करना है, उसको जोड़ना है उस अधिगम की प्रक्रिया से, आपको यह करना होगा। क्योंकि विद्यार्थी को लगेगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, बाद में उसे लगा कि उसके उत्तर में कोई गलती नहीं थी, एक अलग उत्तर था। जिस हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं वो यही है। हम मॉड्यूलेशन पर थे, हम बात करें फोकसिंग पे, कई और बिंदु हैं। हमें फोकसिंग करना चाहिए, बीच बीच में हमें यह कहना चाहिए कि मैं कुछ महत्वपूर्ण कहने वाला हूं, या मैंने जो चर्चा की है उसमें ये बिंदु महत्वपूर्ण है। बच्चों ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए,
इस चित्र में आपको कुछ बिंदु दिख रहे होंगे। इस तरह के वाक्यों के माध्यम से आप बच्चों का ध्यान खींचते हैं। बहुत से बच्चे कहीं किसी स्टेट में होते हैं, निश्चित रूप से आपकी फोकसिंग के द्वारा, वर्बल फोकसिंग के द्वारा, जेस्चरल फोकसिंग के द्वारा आप ब्लैकबोर्ड पर लिखी हुई चीज को अंडरलाइन कर सकते हैं, किसी चित्र की तरफ, डायग्राम की तरफ इशारा करते हुए पॉइंट आउट कर सकते हैं। आप इस तरीके से वक्तव्य के दौरान बच्चों का ध्यान खींचते हैं। ये बहुत जरूरी है, कुछ लोग नहीं करना चाहते। बच्चे सीख जाएंगे, बड़े बच्चे हैं, मैच्योर बच्चे हैं, अरे सारे नहीं ना हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनको जरूरत है। हमें तो अंतिम विद्यार्थी तक पहुंचना है, सबसे पिछड़े विद्यार्थी तक पहुंचना है जो अधिगम में पिछड़ रहा है। चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, एक कक्षा में कई तरह की अंतःक्रियाएं होती रहती हैं, उनमें यह ध्यान देने की बात है कि शिक्षक एक विद्यार्थी से भी अंतःक्रिया करता है, एक समूह से भी करता है, कई विद्यार्थियों से एक साथ करता है, और विद्यार्थी विद्यार्थी आपस में भी अंतःक्रिया करते हैं। दो तीनों ही परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए और इंटरेक्शन के तीनों प्रारूपों का उपयोग होना चाहिए। क्लास जितनी ज्यादा इंटरेक्टिव होगी उतना ही इफेक्टिव होगी। जैसे हमने पूछा कि शहर में जो पुलिस कर्मी होते हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, बताइए। सोहन आप बताइए, मोहन आप बताइए, मनोज आप बताइए। इस तरीके से क्या होता है कि एक हम समूह को मौका दे रहे हैं रिस्पॉन्स करने का, या हम पर्टिकुलर एक बच्चे से पूछते हैं कि इसमें कुछ और ऐड करिए। अच्छा आपको ये नहीं मालूम, जरा इस तरीके से सोचिए, जरा इस तरीके से सोचिए, तो वो बच्चा और भी सूचनाएं लाता है। टीचर लर्नर, टीचर ग्रुप, प्यूपिल प्यूपिल, या लर्नर लर्नर। एक बच्चे ने कुछ बताया, आपने कहा कि भाई और भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं आप, दूसरा कोई विद्यार्थी, या इन्होंने जो बताया। हाँ विनीता जी ने लिखा है कि सही उत्तर की ओर ले जाने में गलत उत्तर को माध्यम बनाना चाहिए। हाँ मेरी नजर में, शिक्षक की नजर में गलत कुछ नहीं है, गलत उत्तर भी एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की, शिक्षक होने के नाते, कंस्ट्रक्टिविस्ट शिक्षक होने के नाते। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। पॉजिंग का भी हमें उपयोग करना चाहिए, हमें बीच में साइलेंस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बीच में किसी बात को कहते हुए हम कुछ समय के लिए रुकें, पॉजिंग जरूरी है। पॉजिंग के माध्यम से आप सारे बच्चों का ध्यान खींचते हैं। बच्चों क्या आप जानते हैं कि इस कोरोना संकट का सबसे प्रमुख कारण क्या है, और इसके बाद आप कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं। अचानक से बच्चे ध्यान देने लगते हैं कि सर क्या बोलने वाले हैं, कौन सा कारण बोलने वाले हैं जो हमें नहीं पता है। पूरी कक्षा अब शिक्षक द्वारा कही जाने वाली अगली बात की ओर केंद्रित हो जाती है, पॉजिंग का इतना जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है। ओरल विजुअल स्विचिंग की हम बात करते हैं क्लासरूम्स में। हम टीचिंग एड्स को यूज करने का प्रशिक्षण देते हैं, आप शिक्षण सहायक अधिगम सामग्री बनाएं। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हमारी जितनी अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियां संलग्न होंगी, शामिल होंगी, उतना ही अधिगम सरल होगा, सजीव होगा, प्रभावशाली होगा। और हमें ये स्कोप खोजना होता है कि कैसे हम विद्यार्थियों की पांचों ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को भी, जहां स्कोप जैसे बने, जिस विषय में हम शामिल करें। ओरल विजुअल स्विचिंग हम तभी कर पाएंगे जब कक्षा में पढ़ा रहे हैं और हमने एक रंगीन चार्ट बना रखा है, या ब्लैक बोर्ड में हमने रंगीन चित्र बना रखा है, या कोई हम वास्तविक वस्तु लाए हैं और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहेंगे कि आप पीछे रखी हुई पुस्तकें देखिए, तो आपका ध्यान मेरी कही हुई बात से पुस्तकों की ओर गया, स्विच हुआ, इससे चीजें थोड़ी प्रभावशाली हो जाती हैं। और जो गंभीर आरोप है व्याख्यान पर कि ये उबाऊ है, उस उबाऊपन को दूर करता है आपका विजुअल स्विचिंग। ओरल से विजुअल में, विजुअल से ओरल विजुअल में, विजुअल से ओरल विजुअल में, कैसी भी परिस्थिति हो दोनों का उपयोग कर सकते हैं। एक और कौशल, व्याख्या कौशल, व्याख्यान की बात जरूरी है।
व्याख्यान सरल हो, हम सब जानते हैं, व्याख्यान करते भी हैं, हम कनेक्टिंग लिंक्स का यूज करें, बिकॉज देयरफॉर, छोटे छोटे वाक्य इस्तेमाल करें, सरल शब्दों का चयन करें, तकनीकी शब्द अगर इंट्रोड्यूस करना है तो उसको बताएं कि ये है, इससे संबंधित है, उससे संबंधित चित्र उनके मस्तिष्क में क्रिएट करें, जिसके माध्यम से वो नया तकनीकी शब्द, नया संप्रत्यय स्थिर रहे। सारे जरूरी बिंदुओं को कवर करें, कंटिन्यूटी पे ध्यान रखें, इररिलेवेंट चीजों को ना करें, अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। उदाहरण कौशल भी हम लोग सीखते हैं, उदाहरण के संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि ऐसे उदाहरण इस्तेमाल ना करें कि बच्चों से कहते हैं आप कि बच्चों आपसे हम चर्चा करते हैं यातायात के साधनों की, आपने देखा, अनुभव किया कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है, खेल की बात करते समय आप कहते हैं रग्बी के खेल की बात करते हैं। अरे भाई, ऐसे उदाहरण दें जो बच्चे के, विद्यार्थी के परिवेश से जुड़ा हो, उनके अनुभव का हिस्सा रहा हो, इतना अंदाजा तो लगाइए। ऐसे उदाहरण ही प्रभावशाली होते हैं जो बच्चे के परिवेश से जुड़े हों, उनकी मातृभाषा में आप कहिए, उन्हें मजा आएगा। उसी के माध्यम से आपको गणित सिखाना है, विज्ञान सिखाना है, भाषा सिखानी है, सामाजिक विज्ञान सिखाना है, उसी अनुभव का उपयोग करना है, उसे समृद्ध बनाना है। प्रश्न कौशल ये महत्वपूर्ण चीज है, हम प्रश्न कौशल का उपयोग कैसे करें, प्रश्नों का समावेश कैसे करें, बिना प्रश्नों के पूछे आप इंटरेक्टिव नहीं बना सकते क्लास को। देखिए, आप अपनी कक्षा में जब प्रश्न पूछते हैं तो आपके सामने कितनी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, कोई कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताए। आपने प्रश्न पूछा विद्यार्थियों की तरफ से, क्या परिस्थिति बनेगी, उत्तर देगा नहीं देगा, कितनी तरह की अधिकतम परिस्थितियां बन सकती हैं। कोई कमेंट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। एक परिस्थिति बन सकती है कि विद्यार्थी अनुत्तरित है, उसके पास कोई उत्तर नहीं। दूसरी परिस्थिति बन सकती है गलत उत्तर दे रहा है। तीसरी परिस्थिति बन सकती है कि अधूरा उत्तर दे रहा है। पहली परिस्थिति गलत उत्तर, अधूरा उत्तर, कोई उत्तर नहीं, एकदम चुपचाप। अब आप साहब, जो हमारी टेक्निक कहती है कि अगर विद्यार्थी ने कोई उत्तर नहीं दिया, आपका पहला दायित्व तो है कि आप प्रॉम्प्टिंग करें, ऐसे संकेतों का उपयोग करें जिसके माध्यम से वो कुछ कहे। सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन टेक्निक है, उससे कहें कुछ और ऐड करें, नए तरीके से प्रश्न पूछें, फिर भी नहीं बता पा रहा है, रिडायरेक्ट करें उस प्रश्न को, कोई दूसरा विद्यार्थी बताएगा, रिडायरेक्शन, बता दिया किसी ने, पूछें, रिफोकसिंग, ये जो बाकी चीजें आप जानते हैं, पूर्व में सीखे हुए हैं, उससे कैसे अलग है, कैसे सिमिलर है, रिफोकसिंग। और अगर वो जान गया है, समझ गया है, वो वाकई में समझ गया है कि केवल ऐसे ही बता रहा है, जांचने के लिए आप क्यों, कैसे, ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करें, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। तो कक्षा में आप प्रश्नों का वितरण, प्रश्नों का उपयोग ऐसे करें कि वो पूरी कक्षा इंटरैक्टिव हो जाए, तभी प्रभावशाली हो सकता है। बिल्कुल सही, उत्तर देगा नहीं देगा, गलत उत्तर देगा, सही उत्तर देता है, आपके कमेंट कमेंट बॉक्स में थोड़ा लेट आते हैं क्योंकि नेटवर्क की वजह से, और आपने सही अंदाजा लगाया है, सत्य यादव, हरीश कुमार पांडे, सावधान हो जाएंगे, बिल्कुल सही। अब एक महत्वपूर्ण बात, ब्लूम साहब को हम सभी जानते हैं, उन्होंने टैक्सोनॉमी दी है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने टैक्सोनॉमी दी है। क्या है टैक्सोनॉमी? इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने
एक अधिगमकर्ता के जीवन में हो रहे समस्त परिवर्तनों को, व्यवहार परिवर्तनों को सूचीबद्ध किया और श्रेणी कर दिया, तीन श्रेणियां बना दी, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। हम जितना भी सीखते हैं उसमें या तो हमारी थिंकिंग चेंज होती है, या हमारी फीलिंग चेंज होती है, या हमारी क्रिया करने का तरीका बदलता है, या कोई दो, या कोई तीनों, या कोई इनमें से एक। सोचने का तरीका बदल गया, कॉग्निटिव डोमेन। और इसी पर उन्होंने बताया कि इस आधार पे आप एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को बनाएं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। तो व्याख्यान के दौरान हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारा व्याख्यान केवल ज्ञानात्मक स्तर का ना रहे, हमें उन सारी चीजों का उपयोग करना होगा जिसमें वह उनका अफेक्टिव डोमेन भी विकसित हो, यह बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न का कठिनाई स्तर कैसा है उस पर भी निर्भर करता है, सत्य ने कहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रश्न का जैसा कठिनाई स्तर हो, प्रश्न का स्वरूप जैसा हो, उस आधार पर ही विद्यार्थियों की अनुक्रिया प्रतिक्रिया आती है। तो हम केवल उनके ज्ञानात्मक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में ही संलग्न हैं, या उनके अफेक्टिव डोमेन पर भी बात कर रहे हैं? जब हम उनके रेस्पॉन्सेस को, जब उनके हम ओपिनियंस को, क्वेश्चंस को, उनके परिवेश को, संस्कृति को महत्वपूर्ण मानेंगे कक्षा में, उनकी चिंता करने लगेंगे, उनको सिखाना हमारा ध्येय होगा, उनसे बात करना, उनके अंदर बदलाव लाना हमारा ध्येय होगा, तो विद्यार्थियों के अंदर आप देखेंगे कि अफेक्टिव डोमेन डेवलप हो रहा है, उनके अंदर रुचियां विकसित हो रही हैं, उनके अंदर मूल्यों का विकास हो रहा है। ये बहुत ही जरूरी चीज है जिस पर हम ध्यान नहीं दे पाते। जहां अवसर मिलता है कौशल विकास का, करने के अवसर देते हैं हम, तो उनका साइकोमोटर डोमेन भी डेवलप होता है। हम प्रेरक प्रसंगों का, उदाहरणों का, रुचिपूर्ण उदाहरणों का भी इस्तेमाल करें रोचक बनाने के लिए, उन वस्तुओं का उपयोग भी कर सकते हैं व्याख्यान के दौरान। एक मजेदार घटना मुझे याद आती है, मैं अपने विद्यार्थियों को सिखाया कि जहां स्कोप हो आप रियल ऑब्जेक्ट्स यूज करिए, साइंस में अगर डेमोन्स्ट्रेशन का स्कोप है वहां डेमोन्स्ट्रेशन करिए। तो वो प्रशिक्षण के दौरान उसने इस बात को गंभीरता से लिया और वो इसका एक नमूना था कि वो जब पहुंचा अपनी कक्षा में, मैं पीछे बैठा था, उसने विद्यार्थियों से कहा, वो पढ़ा रहा था एसिड साइंस में, एसिड पढ़ाने के दौरान उसने एक विद्यार्थियों को आगे बुलाया कि आ जाओ राहुल, आगे आइए। विद्यार्थियों को नहीं पता क्यों गुरुजी बुला रहे हैं, राहुल आ गए। राहुल से कहा कि अपना मुंह, अपनी आंख बंद करो, राहुल ने आंखें बंद कर ली। राहुल से कहा कि अब आसमान की तरफ अपना सर करो, राहुल ने आसमान की तरफ अपना सर कर दिया। पूरी कक्षा हैरान कि टीचर क्या करने वाले हैं, ध्यान इतनी जबरदस्त तरीके से केंद्रित कि कोई तकनीकी और नहीं काम करेगी, कि क्या होने वाला है। इसके पश्चात जब उसने आसमान की तरफ बंद आंखों वाला चेहरा किया और इंतजार करने लगा और पूछा उसने कि अब क्या करना है, उन्होंने कहा रुकिए, आप टीचर ने नींबू निकाला और नींबू को अपने आज ही खरीदे गए नए चाकू से काटना आरंभ किया। नया चाकू था, धार नहीं थी, जल्दबाजी में आप सभी जानते हैं तनाव तो रहता ही है, पाठ योजना बनानी पड़ती है। काटने लगा धीरे धीरे, अब कट ही नहीं रहा था, काटने में क्रोध आ गया, और क्रोध बस जब उसने तेजी से नींबू काटा तो कटा, और कटने के बाद अब उसका जो टेम्परामेंट था ना, उसे गुस्सा आ गया उस दुकान वाले पे कि बताइए ऐसा चाकू दिया, काटने में दिक्कत हुई। और बच्चे ने कहा सर आंखें खोले, उन्होंने नहीं अभी नहीं खोलना है, और पूरा नींबू उसने उसके मुंह के ऊपर ला करके गुस्से में दबा दिया और पूरा रस उस बच्चे के मुंह में चला गया। अरे सर ये क्या किया आपने, इतना खट्टा नींबू क्यों, बताना चाहिए था। इस तरीके से जब आप प्रदर्शन करेंगे बिना तैयारी के,
और बिना उसके तो उसकी समस्या होगी। बच्चे को अचानक से लगा क्या, ठीक है सस्पेंस होना चाहिए, लेकिन जो पूर्व तैयारी की बात है हमने देखा नहीं। हम कटा हुआ नींबू भी ला सकते थे, हम ऐसे चाकू का इस्तेमाल कर सकते थे, और पूरा उड़ेलने की क्या ज़रूरत है। मैंने समझाया उसको बाद में। तो ये होता है, प्रशिक्षण के दौरान होता है, हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। सर मेरा एक प्रश्न है, सत्य यादव कह रहे हैं, हम कहीं प्रेजेंटेशन देते हैं तो शुरुआत में कॉन्फिडेंस कम होता है, सर उसके लिए क्या करें। एक ही तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं लोगों में से, अगर आप पूरे प्रेजेंटेशन को पूर्व में लिख लेते हैं योजना बनाने के बाद, और उसको एक बार कम से कम प्रस्तुत कर लेते हैं शीशे के सामने, तो मुझे नहीं लगता कि आत्मविश्वास में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि आपको ये डर लगता है कि जिनको मैं बोलने वाला हूं वो क्या सोचेंगे। अरे भाई, वो नहीं जानते कि आप आज क्या बोलने वाले हैं, वो नहीं जानते कि आपकी बोलने की शैली क्या है। आप जैसा बोलेंगे उस माध्यम से वो जानेंगे। आपको ऑडियंस का भय नहीं होना चाहिए। आप अगर अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं, नहीं है तो सूचनाएं खोजिए, कलेक्ट करिए, क्वालिटी कंटेंट को पढ़िए। निश्चित रूप से ये आत्मविश्वास उसी से आता है, बिना उसके आत्मविश्वास नहीं आ सकता। तो आज के इस व्याख्यान के जो अब अगले बिंदु पर हम क्लोजर की बात करते हैं, हमारा मैसेज पूरा हुआ। व्याख्यान का जो अंतिम चरण होता है क्लोजर, हम सार रूप में यह बताएं विद्यार्थियों को कि हमने आज क्या सीखा चर्चा से। तो जैसे आज के ही हम व्याख्यान की बात करें, मेरे सामने चुनौती थी कि मुझे यह भी बताना है कि व्याख्यान प्रभावी कैसे हो सकता है, और व्याख्यान में वो सारी बातें आनी भी चाहिए, तभी आपको लगेगा। तो उसका ये तरीका है कि आप बिंदुवार तरीके से संक्षेप में इसलिए बताएं क्योंकि वो बातें उनको याद रहती हैं, बच्चों को अंत में बताया गया मैसेज। जैसे हम आपसे बार बार इस बात को कह रहे हैं, अंत में इस मैसेज में भी कहना चाहते हैं कि आप आरंभिक दिनों में, अगर आप मंच पे कभी नहीं गए हैं, मेरा भी अनुभव ऐसा रहा है, मैं आपको बड़ी साफगोई के साथ बताना चाहता हूं, बीएड करने से पहले मैं कभी किसी पब्लिक स्पीकिंग में नहीं गया, मंच पर चढ़कर मैंने कभी कोई प्रस्तुति दी ही नहीं। हाँ, उसके बाद काफी चीजें बदली, सीखा। आरंभिक दौर में घबराहट होगी, पसीना आएगा, मुंह सूखेगा, तो क्या हुआ, सबका सूखा है। तैयारी कीजिए, जो हमने बताया ना, व्याख्यान से पूर्व ऑडियंस क्या है उसको समझिए, उसके हिसाब से योजना बनाइए, अपनी अपने तार्किक क्रम के हिसाब से लिखिए अपने व्याख्यान को, अपने कक्षा शिक्षण के पाठ को, और उसका अभ्यास कीजिए। यही एक चीज है, और उसको एक बार शीशे के सामने खड़े होकर, अपने दोस्तों के सामने, अपने मित्रों के बीच में उसको प्रस्तुत कीजिए। आप यकीन मानिए, इतना करने से आप बहुत अंतर पाएंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो गपशप करने में बड़े माहिर हैं, उनको कहिए शिक्षा, राजनीति, दर्शन, स्वास्थ्य, समाज की न जाने कितनी समस्याओं पर, कुरीतियों पर बहुत तार्किक बात करेंगे गप में बैठकर नीचे। अब मंच के ऊपर कहिए कि जरा उधर से बोल दीजिए ऑडियंस को, तो हाथ पैर फूलने लगते हैं, क्योंकि वो भी सोच रखे हैं कि इतने लोग देखेंगे, इतनी आंखें हमें देखेंगी, क्या फर्क पड़ता है। आप कोशिश तो कीजिए सत्य यादव, आप करिए। तो मैंने कहा ना, अभी किसी दिन मेरा सत्र इस बात पर होगा कि विद्यार्थी कैसे इस सूचनाओं के जंजाल में, सूचनाओं के समुद्र में अपने मतलब की विश्वसनीय प्रमाणिक सूचनाएं खोजें, वो कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं, कैसे पहुंचे। गूगल सब जानते हैं, गूगल से कैसे इफेक्टिव तरीके से हम खोजें चीजों को, और खोज कर रखें कैसे, ये भी बड़ी चुनौती होती है। क्वालिटी कंटेंट है, बहुत सारा उपलब्ध है, ई कंटेंट की बात हो रही है, लेकिन हमारे विद्यार्थियों को पता नहीं है कि उसका लिंक क्या है, कैसे पहुंचे। इस पे बात होगी किसी एक सत्र में। आज की बात में ये कहना चाहता हूं कि शिक्षण कौशल के महत्व को समझिए। हर एक बात महत्वपूर्ण है, आपके प्रदर्शन का तरीका विषय की प्रस्तुति को महत्वपूर्ण बनाता है, प्रभावशाली बनाता है, और वो सारी तकनीकें
आपको सीखनी होगी, समझनी होगी, उनको उपयोग में लाना होगा। तो आज के व्याख्यान में आपने समझा कि व्याख्यान कैसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली बनाया जाए, उसके तरीके जाने, क्या क्या सावधानी रखी जाए, इन बातों को समझा। शिक्षण कौशल क्या है इस बात को समझा, कैसे शिक्षण कौशल की तकनीकों को उपयोग में लाया जाए व्याख्यान को, कक्षा शिक्षण को उपयोगी बनाने में, इसको समझा। कंस्ट्रक्टिविज्म के एक प्राथमिक स्वरूप को मैंने आपके सामने रखा, 5E, बहुत डिटेल में बात नहीं कर पाया, इसी दिन बात होगी। शशि रंजन जी लिख रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें अपने प्रत्येक प्रस्तुतिकरण से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और जो कमियां उसे दूर करना चाहिए। निश्चित रूप से आप अपने अगले व्याख्यान में पिछले व्याख्यान से अलग होते हैं, आपकी प्रस्तुति अलग होती है, अगर थोड़े से भी आप सजग हैं, थोड़े से भी प्रयत्नशील हैं और थोड़े से भी अपने अधिगमकर्ताओं की चिंता करते हैं, उनके भविष्य की, बिल्कुल हो जाएंगे आप, बदलेगा। और आप करके देखिए, आपने यह भी सीखा कि हमारे अंदर कौन कौन से भय हैं जो हमें रोकते हैं अच्छा प्रभावशाली वक्ता बनाने से। हमारे अंदर भय रहता है कि हम मंच पर जाएंगे तो पसीना आएगा। अरे बहुत लोगों को पसीना आया, हम मंच पर जाएंगे तो अचानक से आवाज हमारी रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में आप चाहें तो छोटी छोटी पर्ची भी रख सकते हैं, सूत्र रूप में अपने व्याख्यान को रख सकते हैं। हमने भी लिखित रूप से तैयारी की, हमने पूरे व्याख्यान को बनाया, लिखा, कंटेंट सेलेक्ट किया, उसके बाद आपके सामने जैसा भी बना। कोशिश ये थी कि इस प्रकरण के साथ, इस विषय के साथ न्याय कर पाऊं, आप सबको मोटिवेट कर पाऊं, इनकरेज कर पाऊं कि आप भी अच्छे वक्ता बन सकते हैं, अच्छे शिक्षक हैं। इसके अलावा अलग अलग मंचों पे आपको बोलने का मौका मिलता है, तब कठिनाई होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन हो सकता है। आप जीवनियां पढ़िए जो प्रभावशाली वक्ता रहे उनकी, आप जीवनियां पढ़ेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। एक उदाहरण जो मैं कोट नहीं किया उसको भी कर देता हूं। एक बहुत बड़े वक्ता रहे और उनका नाम, फ्रांस के बहुत मशहूर वक्ता रहे, जीन जॉरेस। उन्होंने कहा कि पहले भाषण के दौरान मुझे लगा कि जैसे मेरे मुंह में किसी ने कपास ठूस दिया हो, आवाज निकलेगी ही नहीं। तो अब सोचिए, फ्रांस का इतना बड़ा वक्ता अपने शुरुआती दिनों की बात करता है। ऐसे ही आप करेंगे एक दिन, और उन अनुभवों को लिखिए, वो काम आएंगे, आगे मजा देंगे। मेरे साथ भी हुआ, जब प्रशिक्षण में जब पहली बार गया मैं बीएड में, तो मैंने महसूस किया कठिनाई होती है, अभ्यास किया और कदम तो आगे बढ़ाना होगा निश्चित रूप से। तो अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं, सूत्र रूप में दो बातें, व्याख्यान से पूर्व क्या करना है, व्याख्यान के दौरान क्या करना है, बड़ी सजगता से इसको लिपिबद्ध कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। व्याख्यान के दौरान संबोधन कैसे करना है, प्रस्तावना कैसे देनी है, मुख्य मैसेज में क्या होना चाहिए, कैसे देना है, डिस्टॉर्शन ना हो, इसकी चिंता कर लेनी चाहिए, और क्लोजर कैसे करना है, और अंत में अपने सारे श्रोताओं का धन्यवाद कैसे करना है। इतना अगर आप कर लेंगे तो आपके व्याख्यान को, आपकी कक्षा को प्रभावशाली होने से कोई नहीं रोक सकता, मेरा दावा है। और एक चीज छूट रही है, स्टिमुलस वेरिएशन, टीचर स्टिमुलेशन है, स्टिमुलस है, उसका व्यवहार वेरी करता है और वो अट्रैक्ट करता है बच्चों के ध्यान को, बहुत जरूरी है। उसकी तारीख, उसकी तकनीकों की हमने बात की, मूवमेंट्स, जेस्चर्स, पॉजिंग, स्विचिंग, सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। आप उनको पढ़िए, जहां दिक्कत होती है और किसी से समझिए और अपने ऊपर लागू जरूर कीजिए। पढ़ी हुई चीज लागू नहीं करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आप, ये बातें बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए आसान है जो मेरी कक्षाओं में रहे, और भी अच्छे टीचर्स की कक्षाओं का अनुभव जिनके पास है, सूक्ष्म शिक्षण में सिखाया जाता है। अब तो खैर सूक्ष्म शिक्षण पर महत्व न देने की वकालत की जा रही है, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ और मैं बड़ा विरोध करता हूँ इस बात का। सूक्ष्म शिक्षण
और उसके अंतर्गत सिखाए जाने वाले सारे शिक्षण कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है शिक्षक प्रशिक्षण की। तो मेरे इस सत्र में जुड़े डीएलएड के विद्यार्थियों, बीएड के विद्यार्थियों, बीए बीएड के विद्यार्थियों, बीएससी बीएड के विद्यार्थियों, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम उसके विद्यार्थियों, एमएड के विद्यार्थियों, बीएड स्पेशल एजुकेशन के विद्यार्थियों, एमएड स्पेशल एजुकेशन के विद्यार्थियों, एमए एजुकेशन एमएड के विद्यार्थियों, पीएचडी एजुकेशन के विद्यार्थियों, ऐसे सारे विद्यार्थियों जो शिक्षक बनना चाहते हैं और एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं, प्रभावशाली वक्ता देना चाहते हैं, आप सभी ने, और हो सकता है कुछ मेरे मित्र भी रहे, मेरे गुरुजन भी आए और मेरी बात को सुना, मेरा उत्साहवर्धन किया, उन सबका भी मैं आभारी हूँ। आप सब ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, मेरा हौसला बढ़ाया, और आपके मन में जो भी क्वेरी है, अभी इतने सारे कमेंट हैं मैं नहीं ले पाया, जब मुझे समय मिलेगा निश्चित रूप से मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इस कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा, और नहीं दे पाया तो एक फॉलोअप सेशन जरूर करूंगा। आप व्यवहारिक समस्याओं को लेकर के तैयार रहिए, और तब तक इतना तो कर ही लीजिए कि एक लेक्चर अपने मित्रों के बीच में या अपने विद्यार्थियों के बीच में या ऑनलाइन कर लीजिए। ऑनलाइन पे आज मैंने बहुत कम ही कहा है, ऑनलाइन लेक्चर की अपनी चुनौतियां हैं, उस पे बात होगी। तो जिन लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, मेरी बात में रुचि दिखाई, उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, इसी आशा के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।